हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स बाय श्वेता आई एम श्वेता एंड मैंने मेरा जी आर एफ कॉमर्स से क्वालिफाई किया है जैसे कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में मेथड्स ऑफ टीचिंग स्टार्ट कर रखा है ये उसका पार्ट थ्री है हमने देखा था कि जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है जब उसको साइज के बेसिस पे डिवाइड किया जाए जब लर्नर कितने हैं नंबर ऑफ लर्नर्स के बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो तीन बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं जैसे लार्ज ग्रुप स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअलाइज मेथड कि अगर लर्नर का जो ग्रुप है लर्नर का नंबर ऑफ लर्नर्स अगर बहुत ज़्यादा है तो कौन कौन से मेथड्स हैं टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स टीचिंग के ऑप्ट कर सकते हैं जब लर्नर का जो साइज है नंबर ऑफ लर्नर्स है जब वो कम हो स्मॉल हो उनका ग्रुप तो कौन कौन से मेथड्स हैं और आज हम देखेंगे इंडिविजुअलाइज्ड मेथड तो लार्ज ग्रुप एंड स्मॉल ग्रुप मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो हम पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखिए एंड उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आज हम करेंगे इंडिविजुअलाइज मैथड ऑफ टीचिंग एंड आज इस वीडियो के बाद जो मैथड्स ऑफ टीचिंग का टॉपिक है वो बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा इंडिविजुलाइज मैथड ऑफ टीचिंग जब हमने लार्ज ग्रुप एंड स्मॉल ग्रुप किया था तो उसमें क्या था कि लर्नर्स के मतलब नंबर ऑफ लर्नर्स के बेसिस पे हमने देखा था कि टीचिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं आज देखेंगे कि जब वो मेथड्स जो इंडिविजुअल के हिसाब से ऑप्ट किए जाते हैं क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग है इंडिविजुअल डिफरेंस है तो जब इंडिविजुअल के हिसाब से टीचिंग मेथड ऑप्ट किया जाता है वो है इंडिविजुअलाइज मेथड ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू मीट द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल लर्नर वो इंस्ट्रक्शंस या वो टीचिंग मेथड जो कि ऑप्ट किया जाता है लर्नर की नीड को देखकर एंड टू एकोमोडेट द डिफरेंस डिस्प्लेड बिटवीन द लर्नर क्योंकि हर एक लर्नर अलग अलग है मतलब हर एक लर्नर है कोई लर्नर ऐसा है कि जो जल्दी से किसी भी चीज़ को कैच कर लेता है कई कोई लर्नर ऐसा है जो स्लो लर्नर है जो स्लो लर्न करता है कोई भी चीज़ कई लर्नर ऐसे हैं जिनको खुद में खुद से ही करना पसंद है कोई भी चीज़ कई लर्नर ऐसे हैं जिन्हें हर कुछ इस वे में चाहिए कि टीचर उन्हें गाइड करे और वो उस हिसाब से सब कुछ करें तो हर एक लर्नर की जो नीड है वो अलग अलग है तो जब लर्नर की नीड के हिसाब से टीचिंग मेथड ऑप्ट किया जाता है वो होते हैं इंडिविजुअलाइज मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड कौन कौन से मेथड्स हैं इसमें वो देखते हैं असाइनमेंट्स केस स्टडी प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन मैथड पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ओपन लर्निंग मैथड्स इंटरेक्टिव वीडियोज यूरिस्टिक मैथड एंड डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अब इन्हीं मैथड्स को वन बाई वन स्टडी करेंगे सबसे पहले असाइनमेंट असाइनमेंट वो मैथड है जिसमें टीचर लर्नर को असाइनमेंट देता है जिसमें टीचर लर्नर को एक एक टॉपिक दे दिया कि आपका ये टॉपिक है इसके ऊपर आपको असाइनमेंट बनाना है एंड लर्नर फिर उस टॉपिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा इंटरनेट की हेल्प से थोड़ी बुक की हेल्प से तो जब लर्नर खुद उस टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट बनाते हैं फिर असाइनमेंट्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर नंबर ऑफ परपजेस जो असाइनमेंट्स हैं वो स्टूडेंट को दिए जाते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए जैसे फॉर एक्वायरिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन सर्विंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड सॉल्विंग नुमेरिकल प्रॉब्लम्स जब लर्नर को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाना सर्वे करवाना लर्नर से जो उनको नॉलेज है उनको अप्लाई करना उस नॉलेज को एंड नुमरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ये पर्पज़ हैं जिन पर्पज़ से जिन पर्पस को पूरा करने के लिए असाइनमेंट मेथड यूज किया जाता है असाइनमेंट्स स्टूडेंट लर्नर को दिए जाते हैं एक्टिव लर्निंग जो असाइनमेंट है वो एक एक्टिव लर्निंग मेथड है क्योंकि इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली एंगेज रहता है ऑल दो द मेन रोल इज ऑफ लर्नर द टीचर टू हैज अ अल रोल द टीचर हैज टू प्लान द असाइनमेंट्स एंड गाइड द स्टूडेंट रिगार्डिंग रेफरेंस फॉर कलेक्टिंग रिलीवेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर लर्नर का तो मेन रोल होता ही है बट टीचर का भी मेन रोल होता है क्योंकि इसमें टीचर को पहले से प्लान करना पड़ता है कि किस स्टूडेंट को कौन सा टॉपिक देना है एंड स्टूडेंट को बताना कि आप वो उस टॉपिक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो इट हेल्प्स इन शार्पनिंग द स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो असाइनमेंट मैथड है वो स्टूडेंट की कॉम्प्रिहेंशन एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को शार्पन करता है उनको इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स में कॉपी मटेरियल, अनलेस असाइनमेंट्स आर केयरफुली डन बहुत बार ऐसा होता है कि असाइनमेंट्स दे दिए जाते हैं बट स्टूडेंट्स उन असाइनमेंट को बुक में से ही एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो ये उसकी एक लिमिटेशन है इट हेल्प स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली असाइनमेंट मेथड हेल्प करता है कि स्टूडेंट को कि वो इंडिपेंडेंटली काम करें असाइनमेंट्स कैन बी प्रिपेयर ऑन एनी टाइप ऑफ टॉपिक बट द नेचर ऑफ असाइनमेंट्स शुड बी सच डेट द स्टूडेंट्स मे नॉट मेअरली कॉपी फ्रॉम बुक्स वैसे तो असाइनमेंट्स जो दिए जाते हैं वो किसी भी टॉपिक पे दिए जा सकते हैं बट वो उन टॉपिक्स पे देने चाहिए जो स्टूडेंट एज इट इज बुक में से कॉपी पेस्ट ना कर ले सो so, ये असाइनमेंट मैथड था असाइनमेंट मैथड इज बेसिकली कि स्टूडेंट को एक टॉपिक दे देना कि ये लो टॉपिक एंड आप इस पर असाइनमेंट बनाओ एंड स्टूडेंट देन उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा सर्वे करेगा इंटरनेट की हेल्प से कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा एंड देन असाइनमेंट बनाएगा नेक्स्ट केस स्टडी मैथड केस स्टडी मैथड का मतलब है कोई भी एक केस है एक सिचुएशन है उसको स्टडी करना इसके अंदर क्या होता है कि पहले लर्नर को एक केस बताया जाता है लर्नर को एक रियल लाइफ सिचुएशन बताई जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनस को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो सिचुएशन लर्नर को पहले बताई जाती है उसके बाद लर्नर से पूछा जाता है कि अब आप बताओ कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप कैसे रिएक्ट करते आप क्या डिसीजन लेते तो उस टाइम पे लर्नर को एक डिसीजन मेकर का रोल दिया जाता है वो होता है केस स्टडी मैथड इट इज एन एक्टिव लर्निंग मैथड इन विच पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन क्लासरूम ये एक एक्टिव लर्निंग मैथड है क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट के एक्टिवली पार्टिस जो इसके अंदर स्टूडेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ए केस इज सिचुएशन कॉमनली इन्वॉल्विंग अ डिसीजन अ चैलेंज एन अपॉर्चुनिटी अ प्रॉब्लम और एन इशू फेस्ड बाय पर्सन और पर्सनस इन अ शोशल सेटअप सच एंड ऑर्गेनाइजेशन केस जो है वो बेसिकली एक सिचुएशन है एक रियल लाइफ सिचुएशन है या कोई एक डिसीजन कोई एक चैलेंज जो कि या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको उसको डिस्क्राइब करना वो केस होता है बट इन लर्निंग अ स्टडी ऑफ केस वो तो केस हो गया अब उस केस की स्टडी करना क्या है A study of case is that the student must deal with the situation described in the case. That is, in role of decision maker facing the situation. pehle unko case bataya us situation ko describe kiya उसके बाद उनको डिसीजन मेकर का रोल दिया जाता है कि अगर आप इस सिचुएशन में होते, तो आप क्या डिसीजन लेते? It ensures active participation and will lead to innovative solutions of problem. केस स्टडी मेथड जो है उसे लर्नर की एक्टिवली एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो होती है और इस मेथड के थ्रू इनोवेटिव आइडियाज भी मिलते हैं क्योंकि लर्नर को कहा, था, कहा जाता है कि आप अगर इस सिचुएशन में होते तो आप क्या डिसीजन लेते तो वैसे इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं उस प्रॉब्लम के सो दिस इज केस स्टडी मेथड नेक्स्ट प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली ये होती है कि करना लर्नर को है वो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बेसिकली रिसर्च करना जैसे जब रिसर्च करते हैं पीएचडी करते हैं तो उस टाइम पे जो रिसर्चर है उसको ही सब कुछ करना है उसको ही सर्वे करना है उसको ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है बट जो गाइड है वो उनको गाइड करेगा कि आप ऐसे ऐसे करो हर एक स्टेप के बाद उनसे फीडबैक लेगा चेक करेगा कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो वो सिचुएशन जो होती है रिसर्च करने के टाइम वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होती है जो रिसर्च करने के टाइम जो गाइड बताता है गाइड जो है वो गाइड करता है वो जो टीचिंग मेथड है वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है इट इज अ हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग विच इज बेस्ड ऑन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सेल्फ पेस्ड लर्निंग स्टेप्स विथ फीडबैक बिटवीन ईच स्टेप एक हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग होती है जो कि सेल्फ पेस्ड होती है क्योंकि लर्नर को खुद करना है और हर एक स्टेप के बाद फीडबैक भी ली जाती है द लर्नर गेट इमीडिएट फीडबैक आफ्टर ईच स्टेप इट एनश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर एंड इट कैन बी यूज इन फॉर एनी सब्जेक्ट इसके अंदर लर्नर की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है और ये किसी भी सब्जेक्ट में यूज किया जा सकता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर इज मोर देन टीचर इसके अंदर लर्नर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है टीचर की इन्वॉल्वमेंट से अब इसकी लिमिटेशन क्या है लर्नर मोटिवेशन में लर्नर को क्योंकि खुद करना है तो कई बार ऐसा होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लर्नर डीमोटिवेट हो जाता है नेक्स्ट पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन इट कैन बी यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट मैटर्स एक्सेप्ट कंटेंट ये किसी भी subject matter में कर सकते हैं पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन बट जब स्टूडेंट खुद कंटेंट सेलेक्ट कर रहा है उस सिचुएशन में ये मैथड यूज नहीं कर सकते लर्नर मस्ट अचीव मास्टरी ऑफ अ सीरीज ऑफ रिटर्न मास्टरी यूनिट असिस्टेड बाई टीचर्स प्रॉक्टर्स एंड एंड रिचिंग लेक्चर्स बिफोर प्रोसीडिंग द फाइनल टेस्ट इसके अंदर लर्नर एक मास्टरी अचीव करता है और फाइनल टेस्ट में बैठने से पहले लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं टीचर्स प्रॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो असिस्ट करते हैं उनको और इंडिविजुलाइज मैथड के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मैथड पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होता है या ये कहें कि सबसे अच्छा कौन सा है तो वो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही माना जाता है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली पांच एलिमेंट्स होते हैं मास्टरी लर्निंग सेल्फ पेजिंग स्ट्रेस ऑन रिटर्न मटेरियल इसके अंदर सेल्फ पेजिंग यानी लर्नर को खुद जो भी स्टडी मटेरियल है लर्नर खुद उसको करता है पढ़ता है और इसके अंदर रिटर्न मटेरियल जो है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है प्रॉक्टर्स लेक्चर्स तो ये पाँच हैं बेसिक एलिमेंट्स पीएसआई के अब इसकी लिमिटेशन क्या है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर रेपिडली चेंजिंग कोर्स कंटेंट तो जब ऐसा कुछ है जब जिनके कोर्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं तो उस केस के अंदर ये मैथड यूज नहीं कर सकते नेक्स्ट कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इसका मतलब है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर जब कंप्यूटर के थ्रू कोई भी चीज़ समझाई जाती है जैसे कम, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर पे सर्च मारी और मिल गई तो जब लर्निंग कंप्यूटर के थ्रू की जाए वो दे कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग इज कंसर्न विद द यूज ऑफ कंप्यूटर टू मेडिएट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन लर्निंग प्रोसेस लर्निंग थ्रू कंप्यूटर इट हैज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर कंट्रोल इन कंपेरिजन टू अदर मैथड ये मैथड ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है और बाकी कंपेरि बाकी मेथड्स के कंपैरिजन में इसमें बेटर कंट्रोल होता है अब इसके लिमिटेशन क्या है इम्पर्सनल एंड कॉस्टली कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है वो इम्पर्सनल होती है एंड काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है क्योंकि सेटअप करना कंप्यूटर काफ़ी महंगा पड़ जाता है नेक्स्ट ओपन लर्निंग मैथड ओपन लर्निंग मैथड वही है जैसे डिस्टेंस से कोई कोर्स करना फ्लैक्सीबल मैथड ऑफ डिलीवरिंग द इंस्ट्रक्शन वेयर द लर्नर हैज़ ओपन एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्स ऑफ पीपल मटीरियल इक्विपमेंट ये फ्लैक्सीबल मैथड ऑफ टीचिंग होती है फ्लैक्सीबल मैथड है किसी कोई भी इंस्ट्रक्शन डिलीवर करने का जिसके अंदर लर्नर के पास ओपन एक्सेस है इसमें ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं होता कि अगर आपका अगर आपने ये कंडीशन पूरी कर रखी है तो ही आप को मिलेगा या कुछ ऐसे कुछ सीट्स भी लिमिटेड नहीं होती है सीट्स इसमें अनलिमिटेड होती हैं ओपन लर्निंग मेथड में रेगुलर क्लास अटेंडेंस आर नॉट नेसेसरी इसके अंदर रेगुलर क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी नहीं होता फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट थ्रू ट्यूटोरियल्स शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ ओपन ओपन लर्निंग इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो फेस टू फेस इंट्रैक्शन होती है वो ट्यूटोरियल्स के थ्रू की जानी चाहिए ये उसका एक बेसिक पार्ट होना चाहिए मल्टीमीडिया टू बी यूज फॉर डेवलपिंग लर्निंग पैकेज इन ओपन लर्निंग क्योंकि इसके अंदर रेगुलर क्लासेस नहीं ली जाती तो मल्टीमीडिया के थ्रू ही जो है वो डेवलप uh, किए जाते हैं लर्निंग पैकेजेस यानी कि स्टडी मटेरियल कह सकते हैं वो मल्टी के थ्रू ही डेवलप किए जाते हैं अब इसके लिमिटेशन क्या है इट रिक्वायर्स टाइम इट रिक्वायर्स टाइम एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्स एंड हैं नॉट सुटेबल फॉर सब्जेक्ट ऑफ रेपिडली चेंजिंग नेचर अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो कि बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है तो वहाँ पर ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरा स्टडी में ऐसा है कि चेंज हो रहा है जल्दी से तो उसका स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है तो इसलिए वहाँ पर यह सुटेबल नहीं होता नेक्स्ट इंटरक्टिव वीडियोज मैथड जब वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जाए वीडियो देखकर जब कुछ लर्न किया जाए वो होता है इंटरेक्टिव वीडियोस मेथड। इट अलाउज लर्नर टू रेंडमली एक्सेस एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक रिगार्डिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन ये अलाउ करता है लर्नर को कि वो कोई भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं थ्रू वीडियोज द एसेंस ऑफ इंटरेक्टिव वीडियोज एक्सपीरियंस इज़ वीडियो साइमुलेशन विद न मोर नंबर ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन ऑफ रियल इमेजेज एज़ पॉसिबल इंटरेक्टिव वीडियोज़ क्या है कि जैसे यूट्यूब पर भी सर्च करें तो कोई भी एक टॉपिक अगर हम सर्च करें तो उसके कितने सारे वीडियोज़ आ जाती हैं तो जब वीडियोज़ के थ्रू जब हम कुछ पढ़ाई करें वो इंटरेक्टिव वीडियोज़ मैथड होता है और इंटरेक्टिव वीडियोज़ मैथड के अंदर जो वीडियो है उसको बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाया जाता है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि लर्नर उसको इजीली समझ सके और काफ़ी लंबे समय तक उसको याद रख सके नेक्स्ट इज यूरिस्टिक मैथड यूरिस्टिक मैथड जो है वो प्रोफेसर आर्म स्ट्रॉन्ग ने दिया था ये इम्पॉर्टेंट है आपको याद होना चाहिए कि यूरिस्टिक मैथड किसने दिया था तो वो प्रोफेसर आर्म स्ट्रॉन्ग ने दिया था यूरिस्टिक मैथड इज़ बेसिकली सब कुछ खुद करना खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना विदाउट दी हेल्प ऑफ टीचर इन दिस मैथड स्टूडेंट हैज टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ हिज हर ओन प्रॉब्लम इसके अंदर जब स्टूडेंट सब कुछ खुद से कर रहा है खुद की प्रॉब्लम को जब वो खुद ही सॉल्व कर रहा है वो मैथड होते हैं ह्यूरिस्टिक मैथड द मेन एम ऑफ टीचिंग बाय दिस मैथड इज नॉट टू प्रोवाइड मच फैक्ट अबाउट साइंस मैथ्स ग्रामर एट्सेट्रा बट टू टीच हाउ नॉलेज ऑफ दीज कैन बी ऑबेंड इस मेथड के थ्रू उनको ये नहीं पढ़ाया जाता कि साइंस के फैक्ट्स मैथ्स के फैक्ट्स या ग्रामर नहीं बल्कि उनको ये टीच किया जाता है कि कैसे आप नॉलेज को खुद जो है वो ऑप्टेन कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो इसके अंदर लर्नर जो है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है और वो इंडिपेंडेंटली काम करता है एंड ह्यूरिस्टिक मेथड की लिमिटेशन एक ये है क्योंकि इसके अंदर लर्नर सब कुछ खुद से करता है खुद की प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करता है तो बहुत बार ऐसा होता है बहुत बार ऐसी चीजें लर्नर को पता नहीं चल पाती है क्योंकि इसमें टीचर उनकी हेल्प नहीं कर रहा टीचर उन्हें नहीं पढ़ा रहा उन चीज़ों के बारे में स्टूडेंट खुद से ही कर रहा है तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है मान लो तो स्टूडेंट को वो उसके रिगार्डिंग कुछ कोई भी एक पॉइंट लगा लो वो नहीं पता चलती बहुत बार ऐसा होता है कि उसको नहीं पता उसके बारे में नेक्स्ट डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस नाम से पता चल रहे हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स को जब यूज़ किया जाए टीचिंग में वो होता है डिफरेंशेड मैथड मतलब हमने बहुत सारे मैथड किए हैं टीचिंग के तो जब उन्हीं मैथड्स को दो तीन तीन चार मैथड्स को जब कंबाइन कर दिया जाए वो होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मैथड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल ग्रुप स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मैथड इट इज अ डायनेमिक मैथड ऑफ टीचिंग इट मीन्स दैट द टीचर प्लान एंड यूज इज अ वेरायटी ऑफ वेज टू टीच ये एक डायनेमिक मैथड है टीचिंग का और इसके अंदर टीचर पहले प्लान करता है और वराइटी ऑफ मैथड्स को यूज करता है टीच करने के लिए इस मैथड के अंदर क्वालिटेटिव आस्पेक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है देन क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट्स इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड मीनिंग दैट लेसन आर एंगेजिंग रेलिंट इंटरेस्टिंग एंड एक्टिव ये स्टूडेंट सेंटर्ड मैथड है और इसके अंदर जो लेसन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग रेलिवेंट इंटरेस्टिंग और एक्टिव होते हैं तो इसमें लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है इट इज ऑर्गेनाइज एंड प्लैंड मैथड ऑफ टीचिंग ये एक ऑर्गेनाइज और प्लान मैथड ऑफ टीचिंग है इसके अंदर टीचर पहले से ही प्लान करके रखता है कि कौन कौन से मैथड टीचिंग के जो हैं वो यूज़ करने हैं कैसे पढ़ाना है तो ये ऑर्गेनाइज और प्लान मैथड ऑफ टीचिंग है जैसे अगर टीचर को लग रहा है कि आ, अब पढ़ाते टाइम या कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें वीडियो दिखा देंगे तो वो जल्दी से समझ आ जाएगी तो इसमें जो वीडियो एडिट मेथड है वो भी यूज़ कर सकते हैं तो जब बहुत सारे जब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को कंबाइन किया जाए जब वैराइटी ऑफ मेथड्स को कंबाइन कर दिया जाए तो वो हो जाता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मेथड और इसी के साथ जो इंडिविजुअलाइज मेथड ऑफ टीचिंग है वो खत्म होता है आई होप अब आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे मैथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर टोटल तीन पार्ट बने हैं एंड आई होप आपने तीनों ही देख लिए होंगे अब तो और नहीं देखे तो जाकर पहले के दो पार्ट जो हैं उन्हें भी जाकर देखिए सो या आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर आपको पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है देन आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आप हम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे टूटोरियल्स बाई श्वेता तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां पर भी डीएम कर सकते हैं सो या डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू